महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या संकल्पनेतील मनपा शाळेतील सुपर 75 विद्यार्थ्यांचे वर्ग ऑफलाईन पद्धतीने प्रत्यक्षात सुरू झाले असून फुले मार्केट येथील नेताजी मार्केट हिंदी माध्यमिक शाळेतील सुपर 75 वर्गांना महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी शनिवारी भेट दिली. भेटीदरम्यान महापौरांनी विद्यार्थ्यांशी तसेच त्यांच्या पालकांशी सुद्धा चर्चा केली. सुपर 75 वर्गाला भेट देताना महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले की नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभा आहे, मात्र योग्य मार्गदर्शनाअभावी ते पुढे जाऊ शकत नाही. योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास आपले विद्यार्थी अंतरिक्षातही झेप घेण्याची जिद्द ठेवतात हे यापूर्वीही दाखवून दिले आहे. या अशा प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांना भविष्यात केवळ परिस्थितीमुळे आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यात अडथळे येऊ नयेत यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने सुपर 75 महत्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून भविष्यात मनपाच्या शाळेतील 75 विद्यार्थी अभियांत्रिकी वैद्यकीय क्षेत्रासह देशाच्या सुरक्षेसाठी सज्ज होतील. पुढेही हा उपक्रम सुरूच राहणार असून मनपाचे विद्यार्थी आपले नाव लौकिक करतील असा विश्वास महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी यावेळी व्यक्त केला. नागपूर महानगरपालिका की ओर से महानगरपालिका में अध्ययनरत 75 बच्चों को PMT, JEE और NDA की दृष्टि से तैयार करना, इस संकल्पना से सुपर 75 यह संकल्प को साकार करने का प्रयास एसोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लासेस के सहयोग से महानगरपालिका ने निर्णय लिया. कोरोना की त्रासदी के कारण हम बच्चों की क्लासेस नहीं ले पा रहे थे. ये तीसरा सप्ताह है जब तीसरे सप्ताह में हम लोग शनिवार और इतवार को बच्चों को उस दृष्टि से प्रिपेयर करवा रहे हैं. आचार संहिता थी इसलिए उद्घाटन सत्र में मैं नहीं आ सकता था, लेकिन अब कल चुनाव संपन्न होने के बाद बच्चों से मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ. अच्छे वातावरण में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. इन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एक बार बुला के गाइडेंस देना चाहिए. ऐसी सूचना मैंने आज की है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अगर उचित मार्गदर्शन मिल गया तो बच्चों के उत्थान के दृष्टि से हम लोग और एक सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं. कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनके परिवार से, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके उनको लाने की कोशिश करेंगे. उनको अगर कुछ आने जाने की व्यवस्था में कुछ अड़चन होगी तो उसका भी महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कुछ नियोजन करने की कोशिश करेंगे और सारे बच्चे यहाँ आ सके इस प्रकार का प्रयास करेंगे. अगर कुछ व्यक्तिगत अड़चनों से पेरेंट्स और बच्चे आने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी अवस्था में फिर से हम लोग एक परीक्षा लेके जो बची हुई संख्या है इसको परिपूर्ण करेंगे और इस 75 के आंकड़े के साथ जो हमारी आगे का प्रयास है कि इसमें से 25 बच्चे JEE के लिए जाए, 25 बच्चे PMT के लिए जाए और 25 बच्चे NDA के लिए दृष्टि से तैयार हो, हम लोग प्रयास करेंगे. NDA के बारे में बच्चों को जानकारी मिले इसलिए प्रहार विद्यालय में कर्नल देशपांडे जी की बेटी